हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार द्वारा 18 नवंबर 2021 के लिए हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 112A कक्षा 3 के लिए कार्यपत्रिका पाठ्य पुस्तक रिमझिम से ली गई है। पाठ नंबर 14 सबसे अच्छा पेड़ हम इसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, हमने पिछली कार्यपत्रिका में पाठ सबसे अच्छा पेड़ के बारे में बहुत सारी बातें जानी। कहानी में हुई तीनों भाइयों की बातचीत के माध्यम से हमने जाना कि प्रत्येक पेड़ का अपना अपना महत्व होता है। तो चलिए अब पेड़ों की उपयोगिता के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। आइए अब पेड़ों की उपयोगिता पर आधारित निम्नलिखित अनुच्छेद को बोलकर पढ़ते हैं और बॉक्स में से उपयुक्त शब्द चुनकर खाली स्थानों को भरते हैं। ये हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं और जो खाली स्थान है उनमें हमें सही जो शब्द जहां पर भरना है वहां हम भरेंगे। ठीक है, देखो, वृक्ष अर्थात पेड़ हमारी धरती का हरा सोना है। ठीक है, ये हमारे लिए प्रकृति का अनमोल क्या है, खजाना। तो यहाँ से हम लिखेंगे खजाना है। पेड़ों के कारण ही हमारी पृथ्वी पर जीवन फलता फूलता है। पेड़ हमारी पृथ्वी पर हजारों सालों, क्या आ जाएगा, सालों से हैं। ये चल फिर नहीं सकते लेकिन हमारी तरह सांस ले सकते हैं। पेड़ हमारी तरह चल फिर नहीं सकते लेकिन हमारी तरह सांस जरूर लेते हैं। ठीक है, ये हमें साफ क्या देते हैं, हवा। क्या आ जाएगा यहाँ पर, हवा देते हैं। पेड़ सच्चे योद्धा हैं। इसका क्या मतलब है, जो जन्म से ही हमारे लिए प्रदूषण से लड़ते रहते हैं और हमें स्वच्छ और सुंदर क्या देते हैं, वातावरण। तो यहाँ क्या आएगा, वातावरण प्रदान करते हैं। पेड़ों से हमें फल, सब्जियाँ, अनाज, ईंधन, कागज़, फर्नीचर, रबड़ आदि मिलते हैं। क्या क्या मिलते हैं, फल, सब्जियाँ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से अनाज, ईंधन, कागज़, फर्नीचर, रबड़ और पता नहीं कितनी चीज़ें हमें पेड़ देते हैं। ठीक है, बारिश भी पेड़ों के कारण ही होती है। तो देखा बच्चों, पेड़ बहुत अनमोल हैं, इसलिए हमें अपने इस हरे सोने को संभाल कर रखना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नीचे कुछ पत्तों के चित्र दिए गए हैं, तो इन्हें पहचान कर इनके नाम लिखिए और बताइए कि इनका प्रयोग किन किन कामों के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो, ये पहला है, ये हमारे पास ये धनिया की पत्ती है। तो देखो इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेना, ये ध न न में छोटी की मात्रा आएगी और य आ, तो ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो आप इसकी स्पेलिंग ऐसे लिखेंगे। फिर ये दूसरी पत्ती किस चीज़ की है, केले की। तीसरी ये किसकी है, नीम की। तो आपको इनके इस्तेमाल के बारे में प्रयोग भी लिखना है कि ये किस किस काम में प्रयोग किए जाते हैं। तो जैसे धनिया की पत्ती जो है वो हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं ना, धनिया की पत्तियों को काट कर हम अपने खाने में और स्वादिष्ट बना देते हैं, है ना। इसके अलावा चटनी बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। फिर जैसे ये केला है, देखो केले की पत्तियाँ तो ज़्यादातर जो है हमारा जो इंडिया का साउथ वाला जो हिस्सा है उसमें केले की पत्तियों पर लोग खाना रख कर भी खाते हैं, तो ये उसके लिए भी इस्तेमाल होता है, पत्तल के रूप में भी इस्तेमाल होता है केले की पत्तियों का। और नीम के तो आपको पता ही है इतने सारे उपयोग होते हैं। नीम तो एक तरीके की दवाई के रूप में भी बोलते हैं आप इसको, कि कुछ कोई भी बीमारी या कुछ भी होता है तो उसके लिए नीम की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है, तो बीमारी में नीम की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आप इन पत्तियों के नाम लिखेंगे और जो इनके उपयोग हमने अभी डिस्कस किए हैं उनको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पाठ सबसे अच्छा पेड़ में आपको कौन सा पेड़ सबसे अच्छा लगा और क्यों, तो ये सब बच्चों का अलग अलग आंसर हो सकता है। जैसे मैंने जो लिखा है वो क्या लिखा है कि पाठ सबसे अच्छा पेड़ में मुझे आम का पेड़ सबसे अच्छा लगा क्योंकि आम के पेड़ पर मीठे मीठे आम लगते हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं और आम का पेड़ ठंडी ठंडी छांव भी देता है। तो या तो आप, अगर आपको भी आम का ही पेड़ अच्छा लगा तो आप इस तरीके से उत्तर लिख सकते हैं, कोई और अगर आपको पाठ में पेड़ पसंद आया है तो आप उसका उत्तर वहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न अब देखते हैं। घर की तलाश में निकलने से पहले पाठ सबसे अच्छा पेड़ के तीनों भाई कहाँ रहते होंगे,
तो आपको ये इमेजिन करके बताना कि आपके हिसाब से वो कहाँ रहते होंगे। तो मान लीजिए कि घर की तलाश में निकलने से पहले तीनों भाई साथ मिलकर गांव में ही एक ही घर में रहते होंगे। तो ये उत्तर आप इसका लिखेंगे। आगे देखते हैं, पेड़ बचाओ जीवन बचाओ नारे को दर्शाता हुआ एक पोस्टर बनाइए। तो आपको एक पोस्टर बनाना है, पेड़ बचाओ और जीवन बचाओ ये नारा उस पर आपको लिखना है, ठीक है। और अभिभावकों के लिए सुझाव रहेगा कि अपने दोस्तों के जन्मदिन पर उपहार स्वरूप पौधे देने के लिए आप बच्चों को प्रेरित कीजिए और उन्हें बताइए कि इससे मूल्यवान उपहार कुछ और नहीं हो सकता। और इसी के साथ साथ कोरोना से बचने के लिए अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोते रहना है। तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।